स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल रशिया मेडको में। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। जैसा मैं आप लोग को कल के ब्लॉग में बताया था कि आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब आप रशिया, यूक्रेन या फिर किर्गिस्तान कहीं भी जा रहे हैं MBBS करने के लिए, तो आपको कौन कौन सा बुक लेकर जाना चाहिए। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि आपको फर्स्ट ईयर MBBS में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे और कौन कौन सा बुक आपको इंडिया से लेकर आना है। सो गाइस, चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को सब्सिडरी सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा जो कि मेन सब्जेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले जो लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, जैसे आप रशिया में आओगे तो रशियन लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा, यूक्रेन में जाओगे तो यूक्रेनियन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, और किर्गिस्तान में जाओगे तो मे बी वहाँ रशियन लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा, और उसके बाद उस कंट्री का जो लोकल लैंग्वेज है वो भी पढ़ाया जाएगा। तो रशियन लैंग्वेज के लिए या फिर किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो वहाँ के लोकल लैंग्वेज के लिए आपको कोई भी बुक लेकर जाने की जरूरत नहीं है। जैसे मेरे कंट्री में रशियन पढ़ाई होता है फर्स्ट टू थर्ड ईयर। ऐसा नहीं है कि जो भी सब्जेक्ट है वो रशियन में पढ़ाई होता है, पढ़ाई इंग्लिश में होता है, लेकिन रशियन इसलिए सिखाया जाता है ताकि क्लिनिकल एक्सपोजर में, इंटर्नशिप के टाइम में मैं पेशेंट से इंटरेक्शन करूँ तो रशियन बात कर सकूँ, बोल सकूँ, रशियन लिख सकूँ, इसलिए फर्स्ट टू थर्ड ईयर पढ़ाया जाता है। और ये बुक लाइब्रेरी से प्रोवाइड हुआ है रशियन के लिए, इसी बुक से हम पढ़ते हैं। और एक और बुक है ग्रामर के लिए, ये रहा जिससे हम लोग रशियन लैंग्वेज का ग्रामर पढ़ते हैं। और जो सेकेंड लैंग्वेज है वो लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज आपको पढ़ाया जाएगा। तो लैटिन लैंग्वेज के लिए भी आपको कोई भी बुक लेकर आने की जरूरत नहीं, लैटिन लैंग्वेज जो आपको टीचर पढ़ाएगा वो आपको एक बुक देगा, उसी में आपको सब कुछ होमवर्क भी करना है और सब कुछ डिटेल्स भी उसमें लिखा रहेगा। देखो, लैटिन लैंग्वेज इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि आपको जैसे 8-9 से भी आप साइंस पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा कि इस वर्ड को लैटिन में क्या बोलते हैं, और जो भी मेन वर्ड रहता है उसके बगल में लैटिन लैंग्वेज भी लिखा रहता है जो कि यूनिवर्सल लैटिन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल है। तो लैटिन लैंग्वेज आपको बस फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, उसके बाद आपको लैटिन लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा। उसके बाद और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको मैथ पढ़ाया जाएगा और फिजिक्स भी है। तो मैथ और फिजिक्स ये बस फर्स्ट सेमेस्टर में है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। और मैथ और फिजिक्स के लिए भी आपको कोई भी बुक लेकर आने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक जो फॉर्मूला है वो सब बताया जाएगा, मैथ में स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी ये पढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए भी कोई भी बुक लेकर आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है आपको हिस्ट्री और फिलोसफी, ये होता है, ये सब ऐसे ही है, बस इसमें प्रेजेंटेशन बनाओ, सबमिट करो, डेट्स इट। फर्स्ट सेमेस्टर में हिस्ट्री रहता है, फिर सेकेंड सेमेस्टर में फिलोसफी आता है। चलिए फिर अब डिस्कस करते हैं मेन सब्जेक्ट के बारे में। तो मेन सब्जेक्ट में फर्स्ट ईयर में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और फर्स्ट सेमेस्टर में भी है, वो डेट इज एनाटोमी। तो एनाटोमी का अगर आप बुक लेकर आना चाहते हो इंडिया से तो आप BD84 का लेकर आ सकते हो, या तो आप बुक लेकर आओ या फिर आप अगर PDF मिल जाता है तो आप PDF लेकर आओ। मैं तो आपको बोलूंगा कि PDF बेटर रहेगा क्योंकि आप बुक कहाँ कहाँ लेकर कवर करोगे, आप एब्रॉड आओगे तो लिमिटेड वेट होता है तो कितना बुक लेकर जाओगे, फिर जब आपका डिग्री कंप्लीट होगा तो सब बुक को वापस लेके आओगे, तो PDF बेस्ट रहेगा। मेरे पास भी BD84 है, ये देखिए, मैं भी BD84 ये तो मैं इंडिया से ही लेकर आया था, हमको कोई बताया नहीं था कि ऐसे कर सकते हो। और एक और एनाटॉमी का बुक है जो कि हमको लाइब्रेरी से मिला है, ये वाला, इसका वॉल्यूम सेकंड है ये और वॉल्यूम फर्स्ट भी है मेरे पास। तो आपको लाइब्रेरी से भी सारा बुक प्रोवाइड होगा, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उस यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होगा, आपको हर एक बुक इंग्लिश में प्रोवाइड होगा। देखो, ये सब बुक पूरा इंग्लिश में है, ये सब कुछ जो हम लोग के यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, ये एनाटॉमी का ये है। उसके बाद जो ये एटलस है, ये देखो, ये एटलस भी है जो कि हम लोग को यूनिवर्सिटी से प्रोवाइड हुआ है, ये देखो लाइब्रेरी का कार्ड नंबर लिखा हुआ है। तो ये सब बुक जो है ना आपको प्रोवाइड होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि चाहते हैं कि नहीं मैं बुक लेकर आऊं इंडिया से, ये उनके लिए है। और इसके बाद मेन सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करें तो केमिस्ट्री जो है ना बस आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, जितने भी एब्रॉड में यूनिवर्सिटी है केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर तक रहता है और फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री का मेन एग्जाम भी होता है, तो उसके लिए भी कोई बुक लेके आने की जरूरत नहीं है। जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपको PDF देगा, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जो भी क्वेश्चन है वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो केमिस्ट्री के लिए भी कोई बुक लेकर आने की जरूरत नहीं है। उसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में ही स्टार्ट कर दिया जाता है, तो फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन का बुक लेकर आ सकते हैं, वही अगर PDF मिल जाए तो PDF, नहीं तो गाइटन का बुक आप खरीद कर भी लेकर आ सकते हैं। इसके बाद हिस्टोलॉजी के लिए वैसे यूनिवर्सिटी से तो आपको बुक मिलेगा ही यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से, लेकिन अगर आप इंडिया से लेकर आना चाहते हो तो आप इंद्रवीर सिंह का बुक लेकर आ सकते हो, ये है इंद्रवीर सिंह का ये बुक आप लेकर आ सकते हो, ह्यूमन हिस्टोलॉजी का, अगर आपको इंडिया से लेकर आना है तो।
एस्ट्रोलॉजी के लिए। इसमें जो लास्ट मेन सब्जेक्ट बच जाता है जो कि सेकेंड सेमेस्टर में आप लोग का स्टार्ट होगा वो बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री का आप लोग सत्यनारायण का बुक ला सकते हो। बायोकेमिस्ट्री का तो मैं कोई बुक लाया नहीं हूँ, मैं ये है बायोकेमिस्ट्री का बुक जो कि मैं अपने लाइब्रेरी से ही लिया हूँ, यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी से ही लिया हूँ मैं ये बुक बायोकेमिस्ट्री का। तो ये सब सब्जेक्ट था जो कि आपको फर्स्ट ईयर में मेन सब्जेक्ट है और आपको बुक लाना। तो सबसे पहले मैं एक बार मैं आप लोग को शॉर्ट में बता दूं, सबसे पहले अगर आपको लेकर आना तो एनाटोमी का बीडी चौरसिया, उसके बाद इंद्रजीत हिस्टोलॉजी के लिए, अगर आपका फिजियोलॉजी के लिए आप गाइटन का लेके आ सकते हो, अगर बायोकेमिस्ट्री के लाना है तो बायोकेमिस्ट्री का आप सत्यनारायण का लेके आ सकते हो। बस ये है मेन जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे बुक्स है जो कि आपको सेकेंड ईयर थर्ड ईयर से यूज आएगा, जैसे अभी मैं आप लोग को बता दूं ये दिस वन, ये रहा पैथोलॉजी का आप ये वाला बुक लेके आ सकते हो, रोबिन्स का है। उसके बाद और भी बहुत सारे बुक है, जैसे ये पैथोलॉजी का हर्ष मोहन का ये बुक ला सकते हो। और फार्मा तो आपका थर्ड ईयर से स्टार्ट होगा, लेकिन आप फार्मा के लिए भी अगर आप चाहो तो लेके आ सकते हो, केडी त्रिपाठी का ये फार्मा के लिए बुक है। और भी बहुत सारे बुक है, जैसे आप हैरिसन्स लेके आ सकते हो इंटरनल डिजीज का। तो 19 सब्जेक्ट है पूरे MBBS में। तो मैं तो कहूंगा कि आप ट्राई करो कि जितने बुक्स का PDF मिल जाए ना, तो PDF सबके पास, मेरे जहाँ से MBBS में लैपटॉप होगा, किसी के पास iPad होगा, PDF मिल जाए तो बेटर है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये आदत रहता है कि वो PDF से नहीं पढ़ पाते, लैपटॉप में ज्यादा नहीं बैठ के पढ़ पाते, तो उनको तो बुक लेना ही पड़ेगा। सो गाइस आप ये सब बुक था जो कि आप लेकर आ सकते हो अगर आप इंडिया से लेकर आना चाहते हो तो। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा। सो गाइस मैं अपने यूट्यूब चैनल पे ऐसा ही कंटेंट आप लोग के साथ हमेशा डेली लेकर आता हूँ, मैं ब्लॉगिंग भी करता हूँ और उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन वो भी मैं आप लोग को बताते रहता हूँ। सो गाइस अगर आपको हमारा ब्लॉगिंग और वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूँ फिर आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।